हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ये एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके रखा गया है। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? द सीरीज इन विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज आपके सामने लिखा हुआ है और भी इसमें एलिमेंट्स है। इसमें जो आप ग्रीन देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि जीरो है। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन के ऊपर जाइए तो वैल्यू देखिएगा आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और फ्लोरीन का टॉप पे सबसे ज्यादा वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। हाइड्रोजन के जब नीचे आते हैं हम लोग तो देखिएगा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू में। सबसे कम है लिथियम का, यानी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का, सबसे कम है लिथियम का। तो इन वैल्यूज का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, क्या बतलाता है ये वैल्यू, इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप फर्स्ट एप्लीकेशन समझिए कि इसका एकदम बेसिक चीज, ठीक, तो ये आपको बतलाता है कौन एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दैट मींस द एलिमेंट विथ हायर वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइल द एलिमेंट विथ लोअर वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी कैन से दैट फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइल लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन ये आपको बतलाता है कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट से रिप्लेस कर देता है। एक एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे जिंक है, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर क्या है, इस इक्वेशन में कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, उसमें से कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है जिंक। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करे तब कॉपर सल्फेट और जिंक का फॉर्मेशन हो। तो क्या ये दोनों सही है या एक सही है एक गलत है, एक स्पॉन्टेनियस है एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सेकेंड जो इसके एप्लीकेशन है वो है कि जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो वो अधिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मींस द मेटल विथ नेगेटिव और लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल डिस्प्लेस द मेटल विथ हायर और पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्लियर है, यहां पर हम क्या देखते हैं, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, कॉपर का +0.34 है। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल वाला हायर पोटेंशियल वाला को रिड्यूस कर रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यहां पर क्या है, +0.34 -0.76 जिंक के लिए, कॉपर हायर पोटेंशियल है जिंक लोअर पोटेंशियल है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस।
ठीक है। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, किसी नॉन मेटल का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो वो कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। मेटल के केस में उल्टा था। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझे, यानी हम लोग क्या कहेंगे, द नॉन मेटल विथ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल डिस्प्लेस द नॉन मेटल विथ लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, Cl2 प्लस Ki, ये रिएक्शन करके मान लीजिए बन गया KCl प्लस I2, और अगर रिवर्स रिएक्शन हम लोग लिखे तो I2 प्लस KCl ये बन रहा है Ki प्लस Cl2। तो फिर वही बात, कौन दोनों में से स्पॉन्टेनियस है, दैट मींस फिजिबल रिएक्शन है, और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहां पर देखेंगे I को रिप्लेस कौन कर रहा है, क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन को रिप्लेस कौन कर रहा है, आई। तो क्या दोनों सही है या एक सही एक गलत है? तो अभी हम क्या बताए थे, नॉन मेटल के केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्लोरीन का वैल्यू कितना हम लोगों के पास, +1.36, +1.36, आयोडीन का +0.54, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बात हम कर रहे हैं, ज्यादा वाला कम वाला को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये ऑटोमेटिक नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, 0.54 वोल्ट +1.36 वोल्ट, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल के केस में उल्टा होता है। ओके, फोर्थ नंबर जो है इसका, कि ये किसी केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फिजिबिलिटी को, स्पॉन्टेनिटी को शो करता है। अगर किसी सेल के लिए E नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा और उस सेल में होने वाला सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मींस ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट सेल रिप्रेजेंट दैट द सेल इज स्पॉन्टेनियस और द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दैट सेल इज स्पॉन्टेनियस। ओके, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक अगर हम लोग सेल बनाए Zn प्लस Cu, Zn 2 प्लस प्लस Cu, तो इसका हम लोग ये देखते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, E नॉट सेल निकालेंगे। E नॉट सेल का पहले के वीडियोस में बता चुके हैं क्या फॉर्मूला होता है, E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां हम लोग लिखते हैं E नॉट Zn, Zn 2 प्लस, रिडक्शन Cu 2 प्लस से Cu का हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cu 2 प्लस से Cu, Zn Zn 2 प्लस, ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का यहां वैल्यू देखिए रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये रिडक्शन है, चार्ज घट रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, चार्ज बढ़ रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। अब प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर, कॉपर 2 प्लस कॉपर +0.34 वोल्ट, ये आपको ऐड करके आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए E नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो ये स्पॉन्टेनियस सेल है या स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो एनोड और कैथोड होता है उस एनोड और कैथोड पे किस मेटल का डिपोजिशन होगा या किस गैस का लिबरेशन होगा, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, अगर उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो एनोड पर कौन आएगा और कैथोड पर कौन आएगा, एनोड पर किसका डिपोजिशन होगा, कैथोड पर किसका डिपोजिशन होगा, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा समझ में आता है। जैसे एक सॉल्यूशन है NaCl का, तो इस सॉल्यूशन में एनोड भी है कैथोड भी है, क्लियर है,
अब इसमें क्या है, क्या क्या आयन होंगे, कौन कौन, एन ए प्लस, सी एल माइनस, ठीक है। एन ए सी एल को जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो एन ए प्लस और सी एल माइनस में वो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन वाटर का भी तो डिसोसिएशन होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस। अब ये दोनों क्या है, कैथोड पर जाएगा, ये दोनों एनोड पर जाएगा, लेकिन डिपोजिशन तो एक का होना है, किसी में से एक का, तो यहां पर आयंस के बीच में कंपटीशन होता है, आयंस के बीच में कंपटीशन होगा, कैथोड पर जाके ये क्या होगा, Na प्लस से Na में चेंज होगा, H प्लस से H2 में चेंज होगा, Na प्लस से Na में जब चेंज होगा तो रिडक्शन होगा, H प्लस से H2 में चेंज होगा तो रिडक्शन होगा, यहां पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, उसका डिपोजिशन होगा। इस केस में हाइड्रोजन का जीरो होता है, सोडियम का नेगेटिव होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ठीक है। यानी कैथोड पर ये हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा, सोडियम का नहीं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस आयन का कैथोड पे डिपोजिशन होगा, यहां पर उल्टा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका एनोड पर डिपोजिशन होगा। जैसे इस केस में सीएल के केस में, सीएल के केस में यहां वैल्यू देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 1.36 है, इसका 40 होता है, ये आपको वैल्यू दिया रहता है, ये आपको याद नहीं करना रहता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड पर डिपोजिशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका एनोड पर डिपोजिशन होगा, यानी ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके काफी सारा चीज जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, डिपोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। और इस टॉपिक पे आप देखिएगा सीबीएसई की क्लासेस में या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसका डिस्कस भी करेंगे, अभी आप 3.1, 3.2 और 3.17 एनसीईआरटी का सॉल्व कीजिएगा। एक चीज और हम बता दें, जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भी हम क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी की बुक से बनाइए, और हम खुद भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बाय।